आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन का। ये टॉपिक आपके बोर्ड में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, और नीट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें भी एक दो क्वेश्चन के अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक दो टॉपिक और नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके भी डिटरमिनेशन वाले टॉपिक इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देखो क्या होता है सेल्फ डिटरमिनेशन। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिटरमाइन उनमें होता है कि कौन सा ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, उनका जेंडर को या सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए मैकेनिज्म होती है। इसी मैकेनिज्म को कहते हैं सेल्फ डिटरमिनेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लोगे, दैट इज द मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब ये सेक्स डिटरमिनेशन भी बहुत समय से साइंटिस्ट के लिए एक पहेली सा बना हुआ था कि कैसे हो रहा है। तो इसमें कई साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, मतलब इनके बारे में तब पता चला है जब साइटोलॉजिकल बेसिस शुरू हुआ है, यानी सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पाए हैं वही लिंकेज के बाद से। तो इसको सबसे पहले साइटोलॉजिकल जो भी ऑब्जर्वेशन हुए थे इंसेक्ट्स में, उन्हीं की वजह से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाया है जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का। जैसे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ लिंकेज का हुआ था, क्रोमोसोमल बेसिस ये सेक्स डिटरमिनेशन का भी उसी तरह से है। और जो बेस है, मतलब जिसकी वजह से जहां पर लिंकेज हो पा रहा है या जिनकी वजह से डिटरमिनेशन हो पा रहा है, तो उसका भी बेस यही है, जेनेटिक बेसिस या क्रोमोसोमल बेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंकिंग ने 1891 में। इसको ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया स्पर्मेटोजेनेसिस में, कुछ इंसेक्ट्स में जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे, तब इनको उसमें दिखाई दिया कि कुछ एक्स बॉडी है, कुछ डिफरेंट टाइप की बॉडी है जो उनको न्यूक्लियस में दिखाई दे रही थी, उसको उन्होंने एक्स बॉडी कहा। वही एक्स बॉडी बाद में एक्स क्रोमोसोम कहलाने लगी, कि एक्स बॉडी यानी एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया एक्स बॉडी को स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि 50% जो स्पर्म्स होते हैं वो इस एक्स बॉडी को रिसीव कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो उसमें 50% में तो ये एक्स बॉडी है, 50% में नहीं है। तो इस एक्स बॉडी को बाद में कहा जाने लगा एक्स बॉडी यानी एक्स क्रोमोसोम, इसी को एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा। अब मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, इसका करस्पॉन्डिंग जो है वो वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स बॉडी जो है ये इसी को एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा, और मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम जो होते हैं मेल में, उनमें कुछ जीन होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो उनमें जो जीन है ये एस आर वाई जीन ऑब्जर्व किए गए हैं, ये जीन होते हैं जो जिनमें सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है, और ये कोड करते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो टीडीएफ को कॉज करते हैं, टीडीएफ यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से मेललेस कॉज होती है, और इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उनमें मेल के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वाई क्रोमोसोम पे ही होते हैं। तो मेल में एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, कई ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं सेक्स डिटरमिनेशन के, वो हम अब आपको बताते हैं। तो देखिए टाइप्स कितने तरह के होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। एक है मेल हेटरोगैमी, एक है फीमेल हेटरोगैमी, और एक है एनवायरमेंटल, तीन तरह से है। मेल हेटरोगैमी का मतलब क्या है कि इसमें मेल जो होते हैं वो हेटरो यानी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको मेल हेटरोगैमी कहते हैं, जब फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको फीमेल हेटरोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बताते हैं। इसके पहले हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं ऑटोसोम्स में और सेक्स क्रोमोसोम्स में। ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए ऑर्गेनिज्म में दो तरह की क्रोमोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेक्स के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं,
मतलब वो क्रोमोसोम जो सेक्स के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स, और वो क्रोमोसोम जो सेक्स कैरेक्टर को कैरी करते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन भी लिखते रहे हैं, आप डेफिनेशन भी नोट कर लोगे। तो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स दोज क्रोमोसोम्स विच कैरी द जीन्स अदर देन द सेक्स कैरेक्टर। तो ध्यान रखिएगा यहां अदर देन द सेक्स कैरेक्टर्स है वो ऑटोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स फॉर सेक्स कैरेक्टर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हेट्रोसोम्स भी कहते हैं, हेट्रोसोम्स या एनोसोम्स। ठीक है, तो ये दो तरह के क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये है ऑटोसोम्स और ये है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम हेट्रोसोम। अब देखिए आप मेल हेट्रोगेमी, इसमें क्या होता है, इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन में मेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये मेल हेट्रोगेमी दो तरह का होता है, कौन कौन सा है जो एग्जांपल्स हम आपको इसमें बता रहे हैं वो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप की होती है, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप की, और दूसरी है एक्स 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 ओ टाइप की। तो ये मेल हेट्रोगेमी है, ये आपको मिल जाती है एक्स 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 वाई टाइप की जो है, इसमें ये ह्यूमंस इसके एग्जांपल है, ह्यूमन है और ड्रोसोफिला में भी है ड्रोसोफिला, जबकि एक्स 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 ओ टाइप की जो है इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ज्यादातर इंसेक्ट्स में एक्स 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 ओ टाइप की हेट्रोगेमी होती है। तो यहां पर आप देखिए जो ऑटोसोम्स हैं उनके अलावा एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप होते हैं, यहां पर फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होती है, एक्स एक्स मतलब एक जैसे हैं, हम इनको कहते हैं होमोमॉर्फिक। जो फीमेल्स हैं वो होमोमॉर्फिक होंगी, यानी इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स एक जैसे हैं, तो फीमेल्स आर होमोमॉर्फिक और होमोगैमेटिक भी है, होमोगैमेटिक, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं इसलिए होमोमॉर्फिक है, और गैमेट भी जब बनाएंगी तो एक जैसे गैमेट बनाएंगी इसलिए होमोगैमेटिक भी होती हैं, जबकि मेल जो होते हैं इसमें मेल्स आर हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक। यहां पर आप देख रहे हो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो हेट्रोमॉर्फिक भी हैं, या इसी को यही दो तरह के गैमेट्स भी बनाएंगे इसलिए इनको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। तो ये मेल हेट्रोगेमी है, इसमें हम आपको एग्जांपल्स को डिटेल में बताएंगे, ह्यूमंस में भी ड्रोसोफिला में भी और कुछ इंसेक्ट्स में भी। दूसरी तरह की जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो फीमेल हेट्रोगेमी है, फीमेल हेट्रोगेमी जो होता है वो एक्स एक्स नहीं बल्कि ये है जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप की, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप की है। यहां पर भी एक्चुअली है तो वही एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम, लेकिन चूंकि इसमें क्या होता है इसमें डिफरेंट फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, इसमें फीमेल जो है उनमें जेड और डब्ल्यू टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम उसमें भी एक्स वाई ही बताएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यहां पर एक्स एक्स और एक्स वाई ये मेल हेट्रोगैमी को शो कर रहा है और यहां पर एक्स 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 वाई फीमेल हेट्रोगैमी को शो कर रहा है, इसलिए उस टर्म्स को वहां हटा के जेड जेड और जेड वाई कर दिया गया। तो ये एग्जांपल्स मिलते हैं कुछ बर्ड्स में फाउल में इस तरह के एग्जांपल मिलते हैं जिसमें मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक हैं। ठीक है, इसमें मेल जो है वो होमोगैमेटिक होते हैं, होमोगैमेटिक, या इसी को कह सकते हैं होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होमो है, होमोमॉर्फिक है,
और जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो हेमोगैमेटिक एक ही तरह की गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इनमें जो फीमेल होती हैं वो हेटरोगैमेटिक होती हैं। ये हेटरोगैमेटिक क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और फॉर्म भी दो अलग अलग तरह की है, इसलिए ये हेटरोमॉर्फिक होंगी। ठीक है, तो ये फीमेल में सेक्स डिटरमिनेशन बर्ड्स में है, ये भी एग्जांपल हम अभी डिटेल में बताएंगे। एनवायरमेंटल देख लेते हैं उसके पहले। एनवायरमेंटल क्या है, यहाँ पर कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइन करती है कि होने वाले ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, वो मेल होंगे कि फीमेल होंगे। जैसे ज्यादातर रेप्टाइल्स में मिलता है कि रेप्टाइल्स में कंडीशन में क्या है, जैसे एग्जांपल्स मिलते हैं रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल एंड सम लिजर्ड्स, लिजर्ड्स इनमें क्या होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वो इंड्यूस करता है मेलनेस को, इंड्यूसेस मेलनेस, और लो टेम्परेचर इंड्यूस करता है फीमेलनेस को, फीमेलनेस। इसी तरह से टर्टल्स में क्या होता है, टर्टल्स में बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस मेल प्रोड्यूस होते हैं, अबव 28 डिग्री 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होंगे तो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, और अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर है तो इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होंगे, इक्वल नंबर बिटवीन 28 टू 33 डिग्री सेल्सियस। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन इसमें डिटरमाइन करती हैं, टर्टल में बिलो 28 डिग्री सेल्सियस मेल प्रोड्यूस होंगे और अबव 33 डिग्री सेल्सियस फीमेल प्रोड्यूस होंगे। जब दोनों टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर होगा तो इक्वल नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, मेल भी और फीमेल भी इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन इसमें डिटरमाइन करती हैं कि क्या होंगे ऑफस्प्रिंग। इसी तरह से कुछ फिश में भी होता है कि वो उनके एग की हैचिंग अगर सलाइन वाटर में होगी तो वो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और अगर नॉर्मल वाटर में हैचिंग होगी तो मेल प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइन करती है, ज्यादातर ये केसेस फिश में और रेप्टाइल्स वगैरह में ही होते हैं। तो अब हम आपको डिटेल में बताते हैं चार टॉपिक्स के, ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, कुछ इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में। ठीक है, ह्यूमंस में किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है, देखिए ह्यूमन की केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें 46 क्रोमोसोम में, मेल में 46 जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में 44 ऑटोसोम्स हैं और एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। गैमेट बनने के समय में जब मेल होते हैं वो भी आपने पढ़ा हेटरोगैमी है, तो मेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50% गैमेट जो होते हैं वो एक्स वाले होते हैं और 50% जो गैमेट होते हैं वो वाई वाले होते हैं। एक्स वाले गैमेट्स को गाइनोस्पर्म कहते हैं, गाइनोस्पर्म, और वाई वाले गैमेट्स को एंडोस्पर्म कहते हैं। तो मेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि फीमेल केवल एक तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, 44 और एक्स एक्स है तो 22 प्लस एक्स, गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है तो हाफ हो जाते हैं। तो फीमेल ओनली वन टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि मेल ने यहां दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब आती है फर्टिलाइजेशन के बारे में। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर ये वाला गैमेट एक्स से फ्यूज कर रहा है तो यहां पर 22 प्लस एक्स मेल से और 22 प्लस एक्स फीमेल से, यानी 44 के साथ एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये ऑफस्प्रिंग बनेंगे फीमेल ऑफस्प्रिंग, ये फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेंगे, फीमेल का सिंबल है ये फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। और अगर यहां पर एंडोस्पर्म ने फर्टिलाइज किया इस एक्स सेल को तो 22 प्लस एक्स के साथ 22 प्लस वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, यानी यहां 44 और एक्स वाई ये क्रोमोसोम हो गए, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये मेल प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी हर बार के फर्टिलाइजेशन में 50% चांसेस है कि मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो और 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है,
और ऐसा कहीं पर भी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जिसमें हम ये प्रोड्यूस ये पता कर पाए कि इस बार जो इशू है वो कौन सा होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो एक्सप्लेनेशन में भी आप यहां से शुरू करोगे। इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर 46 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ व्हिच इन मेल 44 आर ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई आर सेक्स क्रोमोसोम, व्हाइल इन केस ऑफ फीमेल 44 ऑटोसोम्स अलोंग विद एक्सएक्स सेक्स क्रोमोसोम। During gamete formation, male produces two types of gamete, one 50% with 22 plus X type gynosperm and 50% gametes are 22 plus Y type endosperm, while female produces only one type of gamete 22 plus X. At the time of fertilization, when gynosperm fuses with egg cell, then it will produce female offspring, and when endosperm fuses with एक्सेल देन इट विल प्रोड्यूस मेल ऑफ स्पिंग। तो इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है ह्यूमंस में। आपको ये पूरा लिखने के बाद आपको ये फ्लो चार्ट भी बनाना होगा। ठीक है, हम यहीं पर आपको दो क्वेश्चंस बताते हैं। इस क्वेश्चन से टॉपिक भी आपका आसान हो जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी पता चल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, कि एक कपल है, कपल को पहले से ही 5 फीमेल चाइल्ड है। They already have 5 female child and what is the probability of 6th child to be male? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो 6th child हो वो male हो? तो आप ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हर बार की प्रोबेबिलिटी 50% ही होती है। यानी 50% 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि male हो और 1/2 ही प्रोबेबिलिटी है कि female हो। तो इस तरह से 6th हो चाहे कोई भी इशू हो, बट उसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50% की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है। एक और क्वेश्चन आता है जो आपके नीट वगैरह में भी पूछा गया है, उसमें क्या है कि एक कपल वो चाहते हैं, दे वांट 4 मेल चाइल्ड, 4 मेल चाइल्ड वो चाहते हैं कि उनके 4 मेल चाइल्ड हो, तो उनमें क्या परसेंट क्या प्रोबेबिलिटी होगी 4 मेल चाइल्ड में? तो आप ध्यान रखोगे यहां पर एक बार के इशू में कितने मेल की प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 1/2 मेल की प्रोबेबिलिटी है और 1/2 ही फीमेल की प्रोबेबिलिटी है। तो मेल में 1/2 एक फर्स्ट इशू उनका मेल होगा, 1/2% है 1/2 प्रोबेबिलिटी। सेकंड भी फिर से मेल हो तो फिर से 1/2, थर्ड चाइल्ड भी उनका मेल हो तो वो भी 1/2, और फोर्थ चाइल्ड भी उनका मेल हो तो इसमें भी 1/2 ही प्रोबेबिलिटी है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1/16 हो जाती है। ठीक है, तो उनके 4 मेल चाइल्ड हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाती है। ऑप्शंस में ही अलग अलग करके आते हैं, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो आप यहां पर बता दोगे 1/16 प्रोबेबिलिटी होती है उनके 4 मेल चाइल्ड हो। तो ये सेक्स डिटरमिनेशन है ह्यूमंस। तो सेकंड केस देखिए, एक्सएक्स और एक्सवाई टाइप क्या पढ़ रहे थे अभी, एक्सएक्स और एक्सवाई टाइप। एक आपने ह्यूमन का केस देखा, एक ड्रोसोफिला के केस देखिए। तो ड्रोसोफिला में भी जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 4 पेयर क्रोमोसोम है। ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर में से जो मेल होते हैं उनमें ये ऑटोसोम एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर जो है वो वाई शेप का क्रोमोसोम होता है। यानी इसमें 4 पेयर क्रोमोसोम है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है और ये फोर्थ पेयर है। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। ये मेल की कंडीशन होती है और फीमेल में यहां पर 1, 2, 3 और 4 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये फीमेल है, फीमेल और ये मेल। तो 4 पेयर क्रोमोसोम में मेल में 1 एक्स है, 1 वाई है, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें एक्स अपॉन ए का रेशियो एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। ड्रोसोफिला में जो सबसे ज्यादा स्टडी की है वो कैल्विन ब्रिज ने की है। इन्होंने बताया कि एक्चुअली ड्रोसोफिला में एक्स और ए का रेशियो जो है वो डिटरमाइन करता है। ए है यहां पर ऑटोसोम्स, एक्स है एक्स क्रोमोसोम और ए है यहां पर ऑटोसोम्स,
तो x अपॉन a का रेशियो अगर 2x और 2a है, यानी कि ये वाला केस, तो 2x आप देखिए ऑटोसोम्स है वो पेयर में डिप्लॉयड कंडीशन में और x क्रोमोसोम भी दो ही है, तो यहाँ पर रेशियो आता है 1, और जब रेशियो 1 आता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। अगर इनमें पॉलीप्लॉयडी होने लगती है, डिप्लॉयड के बाद ट्रिप्लॉयड होने लगते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 पेयर हो जाए, एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया एक्स क्रोमोसोम, तो 3x/3a हो रहा है, तो भी यहां पर रेशियो 1 ही आएगा और ये भी फीमेल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये केसेस के बता रहा हूं क्योंकि ड्रोसोफिला में बहुत सारे म्यूटेंट फॉर्म देखी गई हैं। जब इसके ऊपर वो टीएच मॉर्गन काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा था इसमें बहुत सारी म्यूटेंट फॉर्म होती है, इसलिए इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी बताए गए और उनके पीछे वो उन म्यूटेंट जो है उन म्यूटेंट में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल फीमेल या इंटरसेक्स कैसे होंगे वो भी बताया गया। तो दो केस हो गए यहाँ पर, ये फीमेल प्रोड्यूस करेंगे जब उनका रेशियो एक्स अपॉन ए का रेशियो 1 आएगा तब। यहाँ पर अगर एक्स अपॉन ए का रेशियो 0.5 आ रहा है तो ये मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। 0.5 कैसे आएगा, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक रेशियो क्या है 2, सभी के सभी पेयर में और एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर रेशियो 0.5 आता है और वो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो मेल ऑफस्प्रिंग जब भी रेशियो 0.5 आएगा तो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा अगर इसमें प्लॉयडी होती है पॉलीप्लॉयडी तो सेक्स क्रोमोसोम में तो 3 आ जाए एक्स क्रोमोसोम और दो ही दो रहे डिप्लॉयड कंडीशन में रहे ऑटोसोम्स, तो इसका रेशियो 1.5 आता है और ये मेटा फीमेल में प्रोड्यूस करेंगे, यानी फीमेलनेस के कैरेक्टर्स रहेंगे और दूसरे भी कैरेक्टर्स फीमेलनेस के डेवलप होंगे, तो ये मेटा फीमेल को प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म्स होती है। उसी तरह से जब यहाँ पर रेशियो 2x/3 आता है, यानी 0.67 है रेशियो या 0.75 है 3x/4a है, तब इस समय रेशियो 1 और 0.5 के बीच में आ रहा है। आप देख रहे हो 1 और 0.5 के बीच में अगर रेशियो आ रहा है तो वो इंटरसेक्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये इंटरसेक्स होते हैं। और अगर मेल फीमेल एक्स अपॉन ए का रेशियो 0.33 से कम आ रहा है तो वो मेट ऑफ मेल होंगे, यानी मेल के कैरेक्टर्स होंगे और कुछ एबनॉर्मलिटीज भी डेवलप होंगी, इसलिए मेटा मेल प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से आप देखोगे ड्रोसोफिला में जो पेयर है क्रोमोसोम में एक्स अपॉन ए का रेशियो है वो डिटरमाइन कर रहा है होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उनका सेक्स क्या होगा, वो फीमेल होंगे या मेल होंगे, मेटा फीमेल होंगे, मेटा मेल होंगे या इंटरसेक्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इसमें पाई गई हैं, इसमें इतनी स्टडी हुई है, इसीलिए इसमें रेशियोज भी अलग अलग आते हैं। तो होता है इसमें कि एक्स 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 वाई टाइप से है, बट एक्चुअली उसमें एक्स अपॉन ए का रेशियो है जो डिटरमाइन करता है कि होने वाले सेक्स का ऑफस्प्रिंग क्या होगा। अब देखते हैं तो थर्ड केस देखिए ग्रास ऑफर में, इसमें भी मेल हेटरोगेमी ही है और ये केस था एक्स 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 ओ टाइप का। यहां पर जो मेल होते हैं वो ऑटोसोम्स के साथ, ऑटोसोम ने पेयर में लिखा है डिप्लॉयड कंडीशन, ऑटोसोम्स के साथ एक्स ओ टाइप के होते हैं। ओ एक्चुअली कोई क्रोमोसोम नहीं है, मेल में एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा उसका क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वाई वाला ही नहीं, तो एब्सेंट है। एब्सेंट की जगह हमने यहां पर ओ लिख दिया है, तो ए ए प्लस एक्स टाइप की ये कंडीशन होती है मेल में, जबकि फीमेल यहां होमोगैमेटिक है, फीमेल में ऑटोसोम के पेयर के साथ दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो जब मेल हेटरोगैमेटिक है मेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एक गैमेट होता है ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे गैमेट में केवल ऑटोसोम्स रहेंगे, इसमें एक्स रहेगा ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम है और फीमेल में ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स, ये जो एग प्रोड्यूस करेंगी ऑटोसोम्स के साथ है। तो मेल जब मेल का ये वाला स्पर्म फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, यानी कि ऑटोसोम्स के पेयर के साथ एक्स एक्स कंडीशन आएगी, यानी ये फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। जबकि मेल का अगर ये वाला गैमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं वो इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो ए प्लस एक्स के साथ ए प्लस जीरो, यानी कि ऑटोसोम्स के पेयर के साथ केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये कंडीशन हो जाएगी मेल की कंडीशन।
ठीक है, तो इसमें भी 50% चांसेस होते हैं कि फीमेल ऑफस्प्रिंग बने और 50% चांसेस है मेल ऑफस्प्रिंग बने, बट यहाँ मेल में एक क्रोमोसोम होता ही नहीं है, केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल की कंडीशन, फीमेल में पूरे के पूरे क्रोमोसोम होते हैं। तो ये कंडीशन होती है ग्रास ऑपर में और कुछ इंसेक्ट्स में भी होती है एक्सएक्स एक्सओ टाइप की सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट केस देखते हैं, इस केस में देखिए बर्ड्स के केस में बर्ड्स या कई एप्स होते हैं और कुछ फाउल के केसेस में एक्स ये जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप की ऑटोसोमी है, ये सेक्सिटिवनेस जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप। यहां पर फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमिक है, यानी ये फीमेल हेट्रोगैमी का केस है, फीमेल हेट्रोगैमी। तो यहां पर क्या होता है, जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऑटोसोम के पेयर के साथ होमो है ये जेड जेड क्रोमोसोम्स होते हैं यानी होमोमॉर्फिक, जबकि जो फीमेल है उनमें ऑटोसोम के पेयर के साथ जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स होते हैं हेट्रोमॉर्फिक। तो मेल इसमें होमोमॉर्फिक है, फीमेल हेट्रोमॉर्फिक है। अब गैमेट बनने की बात आती है तो मेल ऑटोसोम्स के साथ जेड क्रोमोसोम और यहां पर भी एक ही जैसा, यानी कि केवल एक टाइप के गैमेट यहां प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल यहां दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करती है, हेट्रोगैमेटिक है ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो फीमेल ने यहां दो तरह के एग प्रोड्यूस करते हैं कि है ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। अगर मेल में ये गैमेट फीमेल का गैमेट ए प्लस जेड मेल के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो ऑटोसोम्स के साथ जेड और ऑटोसोम्स के साथ जेड, यानी कि ऑटोसोम के पेयर के साथ जेड जेड ये क्रोमोसोम आएंगे तो ये मेल ऑफिस में प्रोड्यूस कर देंगे, जबकि अगर इसके साथ ये वाला एक फर्टिलाइज करेगा तो ऑटोसोम्स के साथ जेड ए प्लस डब्ल्यू यानी ऑटोसोम के पेयर के साथ जेड 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 डब्ल्यू टाइप की है, यानी दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होगा तो ये फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बर्ड्स में केस होता है, एप्स में फाउल में इसको छोड़ दिया है क्योंकि दोनों में बिल्कुल एक ही तरह से होगा। यहां पर भी 50% चांसेस है कि मेल ऑफस्प्रिंग आए, 50% चांसेस है कि फीमेल ऑफस्प्रिंग आए, बट डिटरमिनेशन कौन कर रहा है, फीमेल, फीमेल ऑफस्प्रिंग करते हैं इसमें, तो फीमेल गैमेट करते हैं इसलिए फीमेल हेट्रोगैमी का केस होता है। नेक्स्ट केस है ये आपके सिलेबस में अलग से जुड़ा हुआ है, हनी बी का केस है ये, इसमें अलग केस होता है, ये एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस का केस है, पार्थेनोजेनेसिस। और इसमें जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल डिप्लॉयड, तो ये इसको हैप्लो डिप्लॉयडी भी कहते हैं, हैप्लो डिप्लॉयडी सेक्स डिटरमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो मेल हनी बी है उसमें क्रोमोसोम नंबर केवल 16 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन है, हैप्लॉयड। और फीमेल जो होते हैं उनमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी क्रोमोसोम पेयर में है, डिप्लॉयड कंडीशन है 2n और मेल में n हैप्लॉयड कंडीशन होती है। तो अब जब यहां गैमेट बनते हैं तो मेल गैमेट जब बनेंगे वो माइटोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, तो इसीलिए ये हैप्लो डिप्लॉयडी का केस है, जो मेल है उन्होंने 16 क्रोमोसोम के गैमेट बनाए, माइटोसिस यानी जो स्पर्म्स बन रहे हैं यहां पर वो माइटोसिस सेल डिवीजन से बन रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, हैप्लॉयड है ये भी। लेकिन जो फीमेल होती है वो फीमेल दो तरह की गैमेट बनाएंगी, यानी 16 ये मियोसिस डिवीजन से बनेंगे, ये 16 ये बन गए ओवम, तो ये ओवम बन गए और यहां पर भी ये 16 क्रोमोसोम वाले ओवम बन गए हैं, ये बन रहा है मियोसिस सेल डिवीजन से, मियोसिस। तो अब इसमें जितने स्पर्म्स फर्टिलाइज ये जितने एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो 32 क्रोमोसोम वाले फीमेल ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं, और जो भी ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, जो अनफर्टिलाइज रह गए हैं, अनफर्टिलाइज वो 16 ये जो फीमेल हो गई, ये जो अनफर्टिलाइज है एग जो बने थे ये मेल में प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो एग जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
वो मेल में कन्वर्ट हो गए और जिस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है वो डिप्लॉयड फीमेल में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहां जितने भी फीमेल होती हैं वो 32 क्रोमोसोम वाली डिप्लॉयड होती हैं। तो हनी बी के केस में आपने पढ़ा है कि हनी बी में जो कॉलोनी होती है वो कॉलोनी में क्वीन है, एक क्वीन होती है, फिर वर्कर्स भी होती हैं, वर्कर्स। तो ये क्वीन और वर्कर जो है ये फीमेल होती है, ये फीमेल है, दोनों की दोनों फीमेल है, जबकि मेल जो होते हैं वो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स कहलाते हैं, ये मेल होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं, जितने भी मेल हैं ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट होते हैं। तो एक कॉलोनी में लगभग 200 के आसपास ड्रोन्स होते हैं, मेल होते हैं, 2000 के आसपास वर्कर भी होती हैं और केवल एक क्वीन होती है। अब जिस एग को, जिस फर्टिलाइज एग को ये रॉयल जेली खिलाते हैं, रॉयल जेली, वो फीमेल क्वीन में कन्वर्ट होती है, और जिसको ये बी ब्रेड खिलाते हैं तो ये वर्कर्स बी में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये फीमेल है, वर्कर्स भी हैं, और ये यानी कि ये इनके खाने पीने की हैबिट्स हैं, ये अपनी कॉलोनी में खुद चुनते हैं कि किसको इनको क्वीन बनाना है। तो इस तरह से ये हैप्लोडिप्लॉयडी का केस है, इसको ऑर्गेनोटॉपी भी कहते हैं, ऑर्गेनोटॉपी पार्थेनोजेनेसिस। तो ये डिफरेंट केस है हनी बी में, हनी बी में जितने भी मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। तो ये केस के सारे हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बता दिए हैं। हमने आपको मेल हेटरोगैमी का केस बताया, XXXY टाइप, XXXO टाइप बताया, और फीमेल हेटरोगैमी का केस बताया, ZZZW टाइप की ड्रोसोफिला में हमने बताया X/A का रेशियो, और हनी बी में बताया कि इसमें सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से होता है। तो टोटल ये आपका था सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक। सारे टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कुछ क्वेश्चन जो हमने इसमें कराए थे वही कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है, तो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ हम लोग शुरू होते हैं। थैंक यू।